दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक के पेज को बना लेते हैं, वीडियो भी अपलोड करते हैं लेकिन उनका वीडियो नहीं चलता। फेसबुक पेज पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उन पर व्यूज नहीं आती। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वीडियो को अपलोड नहीं करते, बिल्कुल प्रोफाइल की तरह जाकर वीडियो को डाल देते हैं, तो ऐसे में व्यूज नहीं आएगा। जिस तरीके से यूट्यूब पर हम यूट्यूब स्टूडियो में जाकर वीडियो अपलोड करते हैं तभी हमारा वीडियो चलता है, इसी प्रकार से फेसबुक का फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है जहां से आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपका वीडियो बहुत ज्यादा रैंक करेगा और व्यूज भी अच्छी खासी आने लगेंगे। लेकिन अगर आपको फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका ही मालूम नहीं रहेगा तो आप कितना भी वीडियो अपलोड कर लो आपका वीडियो नहीं चलने वाला। खैर कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटे को भी दबा देना। तो देखो अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं तो आप इसे अपने स्मार्टफोन पर भी कर सकते हैं, बस आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है फेसबुक पर, इस तरह से चले गए फेसबुक पर। फेसबुक पर जाने के बाद यहाँ पर आपको फेसबुक लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ से जिस आईडी से आपने अपना फेसबुक पेज को बनाया हुआ है उसे आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं, हमने पासवर्ड डाल दिया, अब यहाँ पर यह लॉगिन हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। देखिए पूरा फंडा ये है कि जिस तरीके से अगर हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए हमें एक जीमेल अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार से फेसबुक पेज बनाने के लिए हमें फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। फेसबुक अकाउंट से हम फेसबुक पेज बना सकते हैं, उसी प्रकार से जीमेल अकाउंट से हम यूट्यूब अकाउंट बना सकते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने पेज पर, तो हमारा पेज है टीएच किंग संदीप, यहाँ पर देख सकते हैं दिखाई रहा है, ठीक है। और अगर आपके में नहीं दिखा रहा तो यहाँ से आप भी जा सकते हैं, सिमर पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपको पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं पेज, ठीक है। फिर जितने भी आपके पेज होंगे सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, हम यहाँ पर टीएच किंग संदीप पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा पेज खुल करके आ चुका है जिसमें 625 फॉलोअर है, ठीक है, 625 फॉलोअर है और 551 लाइक्स है। तो वीडियो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्विच नाउ पर सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करते ही जो टीएच किंग संदीप वाला जो पेज है वो यहाँ पर स्विच हो जाएगा, ये देख सकते हैं हो गया। अब यहाँ से आप फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, रील अपलोड कर सकते हैं और लाइव वीडियो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं फोटो एंड वीडियो पर क्लिक करते हैं सबसे पहले, ठीक। अब यहाँ पर एड फोटो वीडियो पर आपको क्लिक करना है इस तरह से। अब जो भी आपका वीडियो है जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं फेसबुक पेज पर उसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ डेस्कटॉप पर और यहाँ पर चलते हैं फोल्डर पर और यहाँ पर हम स्पाई वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इसे क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया, अब ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो ऑप्शन, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने वीडियो का टाइटल डालना है, जो भी आपका वीडियो उसका आपको टाइटल डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे स्पाई कैमरा कैसे काम करता है, ये देख सकते हैं हमने टाइप कर दिया स्पाई कैमरा कैसे काम करता है। और बल्कि हो सके तो आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करो, आप यूट्यूब पर चले जाइए वहाँ पर कीवर्ड फाइंड कर लीजिए या फिर आप ट्यूबमेट से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं कीवर्ड फाइंड करने के, तो आप बेहतर बेहतर कीवर्ड को फाइंड कीजिए जिससे लोग सर्च करें, ठीक है। उसी को यहाँ पर आपको डालना है, ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, टैग पर आना है, ठीक है। जिस तरीके से हम यूट्यूब वीडियो पर टैग डालते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको फेसबुक वीडियो पर भी टैग डालना होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने चैनल का नाम डालेंगे, ये देख सकते हैं ये हमने डाल दिया। अब जैसे कॉमा लगाएंगे तो टैग बन जाएगा, जैसे यूट्यूब वीडियो पर हम कॉमा लगाते हैं तो वो टैग बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको कॉमा लगाना है फिर ये टैग बन जाता है, यहाँ पर लिखा भी है इंटरनेट टैग सेपरेटेड बाय कॉमा फिर ये टैग बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने अपने चैनल का नाम तो डाल दिया सबसे पहले में, अब यहाँ पर हम अपना टैग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखते हैं स्पाई कैमरा वर्किंग मेथड, ठीक है। अब आप अरे गलत लिखा गया मेथड, ठीक है। अब आपको कॉमा लगाने टैग बन जाएगा और लिख सकते हैं यहाँ पर स्पाई कैमरा कैसे काम करता है, फिर कॉमा लगाएंगे टैग बन जाएगा, स्पाई कैमरा लिख देते हैं यहाँ पर हाउ डस वर्क स्पाई कैमरा, हमने यहाँ पर तीन चार टैग लगा दिया,
टैग लगाने के बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर की ओर जाना है इस तरह से, और यहाँ पर चेंज थंबनेल का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चूज सजेस्टेड, अपलोड इमेजेस और चूज फ्रॉम वीडियो और टेस्ट डिफरेंट थंबनेल। तो आपको क्या करना है, अपलोड इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर जो आपने थंबनेल बना कर रखा उसे आपको अपलोड करना है, यानी क्लिक करना है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ किधर मेरा, ये देख सकते हैं मेरा थंबनेल है, इसे मैंने बना रखा है। अब इसे मैं ओपन करता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थंबनेल लग चुका है। ठीक है, थंबनेल आ चुका है। अब आपको यहाँ से सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो 100% अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से आप इसे पब्लिक भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर सीधा आपको पोस्ट पर क्लिक करना, देख सकते हैं पोस्ट, आपको पोस्ट पर क्लिक करना है, वीडियो हमारा पोस्ट हो जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए कुछ ही सेकंड में यह पोस्ट हो जाएगी, देख सकते हैं हमारा वीडियो पोस्ट हो चुका है। तो एक तरीका तो यह है वीडियो अपलोड करने का फेसबुक पेज में। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और मस्त वाला, इसके लिए भी आपको क्रोम ब्राउज़र पर आना, यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, आपको सर्च करना है और यहाँ पर आएगा क्रिएटर स्टूडियो ऑन फेसबुक, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। और सबसे बेहतर तरीका तो यही है, अगर मैं अपना बताऊँ पर्सनली तो यही सबसे बढ़िया तरीका है वीडियो अपलोड करने का। जैसे हम YouTube पर YouTube क्रिएटर स्टूडियो सर्च करते हैं ना, उसी प्रकार से Facebook क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एड फोटोज, एड वीडियोस और यूज टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एड वीडियो पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। ठीक है, अब जो भी आपका वीडियो है जिसे आप अपलोड करना चाहते हो फेसबुक पर, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे ये देख सकते हैं हमारा वीडियो है महतारी वंदन योजना वाला, इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ये एकदम राइट तरीका है। ठीक है, आप जब भी वीडियो अपलोड करो तो इसी तरीके से वीडियो को अपलोड करना, इससे पहले मैंने जो बताया वो भी बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस प्रोसेस को कीजिए, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपके वीडियो की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड शुरू हो चुका है, 85-87 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको अपना टाइटल डालना है, ये देख सकते हैं टाइटल, मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल YouTube वाला फील होगा, जैसे YouTube पर जो होता है ठीक उसी प्रकार से आपका फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एड टाइटल पर क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ पर टाइटल उसे आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, तो यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, जिस प्रकार से आपको YouTube पर पूछता है डिस्क्रिप्शन, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको डालना है। तो जो आपने टाइटल पर डाला है उसे आपको कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट ऑल किया हमने, कॉपी किया, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब आपको इंटर करना है दो बार और यहाँ पर आपको हैशटैग लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सबसे पहले हैशटैग रहेगा अपने चैनल का नाम, ये हमने चैनल का नाम डाल दिया। अब आपको जो भी आपका वीडियो है उसके रिलेटेड आपको कम से कम 3 हैशटैग लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर हैशटैग लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी हैशटैग लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको थंबनेल पूछेगा, तो यहाँ पर आपको सजेस्टेड वीडियो चूज फ्रेम और अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपलोड इमेज पर फिर से क्लिक करना है, अब सीधा आपका फाइल खुल जाएगा। तो जहाँ पर भी आपने अपने थंबनेल को रखा उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अपना थंबनेल किधर है, भाई हमारा थंबनेल है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, इसे हम ओपन करते हैं, ये देख सकते हैं हमारा थंबनेल आ चुका है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कैप्शन भी डाल सकते हैं, हमें नहीं डालना, हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको शेयर नाउ, शेड्यूल और सेव ड्रॉप का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ से एक से टाइम डेट डाल सकते हैं या फिर आप सीधा शेयर नाउ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा शेयर नाउ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम कर देते हैं शेयर, और यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिशिंग यूअर पोस्टर लिखा गया है। ठीक है, अब कुछ ही सेकेंड में ये शेयर हो जाएगा, हम वेट करते हैं कुछ सेकंड, जब तक ये शेयर हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। और देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर वीडियो पोस्ट प्रोसेसिंग लिखा गया। ठीक है, मतलब हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, अभी प्रोसेसिंग लगेगी कहीं कॉपीराइट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम कर देते हैं डन।
अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ ही सेकंड में ये वीडियो आपके लिए रेडी हो जाएगा। आप इसे शेयर कर सकते हैं, लोग इसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए, जिसके बाद आपका वीडियो रेडी हो जाएगा वॉचिंग के लिए। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कितना लंबा है। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा दोस्तों। और अगर आपका वीडियो बहुत शॉर्ट है तो बड़ी आसानी से पब्लिश हो जाएगा बिना कोई टाइम के दोस्तों। लेकिन प्रोसेसिंग तो होगा ही होगा, हर वीडियो पर ये प्रोसेसिंग लेता ही है। हम वेट करते हैं पब्लिक होने का। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ से आप होम पे जा सकते हैं, इस तरह से आप अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ से ये हमारा होम है देख सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन पर भी जा सकते हैं। और यहाँ से आप अपना पेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं टेस्ट किंग संदीप को सेट करता हूँ, जहाँ पर हमने पहले वीडियो अपलोड किया था, ये देख सकते हैं हमारा टेस्ट किंग संदीप पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर हमने ये वाला वीडियो को अपलोड किया था, स्पाई वीडियो वाला, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल पोस्ट हो चुका है, इसे आप प्ले करने के लिए रेडियो को भी से आप प्ले करके देख सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास तीन पेज हैं, पहले वीडियो मैंने आपको टेस्ट किंग संदीप पे अपलोड करके दिखाया था, अभी जो अपलोड करके दिखाया हुआ है एक एल वाले पे, देख सकते हैं कंटेंट पर चलते हैं और यहाँ पर प्रोसेसिंग चल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, 14 मिनट की वीडियो है और हाई क्वालिटी पे वीडियो है, ठीक है, इसलिए टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। और देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर हमारा वीडियो पोस्ट हो चुका है, अब ये वीडियो वॉच होने के लिए रेडी है, इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है, वॉच कर सकता है। और इस तरीके से आप फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, और यही वीडियो अपलोड करने का सही तरीका है दोस्तों। और अगर मान लीजिए चलिए आपने पहले से कई सारे वीडियो को शेड्यूल करके रखा, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं पब्लिशेड, शेड्यूल, ड्राफ्ट, एक्सपायरी और एक्सपायर्ड। तो जब आप शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके वीडियो शेड्यूल होंगे वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों, और यहाँ से आप उसे पब्लिश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आई होप अब आप जान पाए होंगे कि आखिर फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, कैसे फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल सांदो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।